जी नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज एशियन, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता समीर उरांव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय मुख्यालय के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में समीर जी, आपका एशिया न्यूज इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। समीर जी, प्रदेश की सरकार ने इन्वेस्टर समिट का गत दिनों आयोजन कराया है और बड़े दावे भी किए गए हैं कि कई कंपनियों ने प्रदेश में निवेश को ले अभी रुचि दिखाई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं वर्तमान झारखंड की सरकार और सरकार में बैठे लोगों को पिछले 19 माह से मैं देख रहा हूँ। इस 19 माह के अंदर कहीं से भी इस राज्य के विकास के लिए ना कोई योजना करते देखा और ही ना किसी प्रकार का कोई रचनात्मक काम करते देखा। और अभी ये सरकार के मुखिया देश की राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करके एमयू करके इस राज्य के जनता को यह दिखाना चाहता है कि हम विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि पिछले 19 माह से जिस प्रकार से राज्य की जनता को छलने का काम, ठगने का काम, गुमराह करने का काम किया है, वैसे ही यह जो है एक गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप दिखाने जैसा यह इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग करके आए हैं वो इनका एक अपना एक आयाम है। निश्चित रूप से अगर ये विकास के लिए सोचते समीर जी, प्रदेश की सरकार ने बड़े दावे किए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी ली है। मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से कहीं भी कोई ऑप्शन होता है, कहीं कोई अवसर आता है तो उस अवसर पर लोग शामिल होकर के लाभ लेने के लिए कहीं से कोई चुकता नहीं है। इसलिए इस प्रकार से इन्वेस्टर्स मीट हुआ, उसमें लोगों ने आकर के देखा, जुड़ा, लेकिन यह भी देखा है कि ये सरकार 19 माह में कुछ नहीं किया है तो क्या ये इस कार्य को यहाँ कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने शंका कर रहा है और हम भी शंका कर रहे हैं। राज्य देश की राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करके एमयू करके इस राज्य के जनता को यह दिखाना चाहता है कि हम विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि पिछले 19 माह से जिस प्रकार से राज्य की जनता को छलने का काम, ठगने का काम, गुमराह करने का काम किया है, वैसे ही यह जो है एक गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप दिखाने जैसा यह इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग करके आए हैं वो इनका एक अपना एक आयाम है। निश्चित रूप से अगर ये विकास के लिए सोचते समीर जी, प्रदेश की सरकार ने बड़े दावे किए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी ली है। मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से कहीं भी कोई ऑप्शन होता है, कहीं कोई अवसर आता है तो उस अवसर पर लोग शामिल होकर के लाभ लेने के लिए कहीं से कोई चुकता नहीं है। इसलिए इस प्रकार से इन्वेस्टर्स मीट हुआ, उसमें लोगों ने आकर के देखा, जुड़ा, लेकिन यह भी देखा है कि ये सरकार 19 माह में कुछ नहीं किया है तो क्या ये इस कार्य को यहाँ कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने शंका कर रहा है और हम भी शंका कर रहे हैं। राज्य के जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं या तो इन्वेस्टर्स हैं वो भी शंका में ही है, जुड़े जरूर हैं लेकिन शंका में ही है। इसलिए कि ऐसे सारे जो निवेश करने के लिए कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाएं होती है उसके लिए इस राज्य में कहीं से एक भी सिस्टम बनानी है,
सिस्टम ही नहीं है, तो उस सिस्टम के बगैर ऐसे सारे प्रक्रियाओं को संपन्न करना संभव नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो दावा कर रहा है तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना सिस्टम का कोई भी इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये केवल यहाँ की राज्य के जनता को छलने के लिए, यह जो है भ्रमित करने के लिए दिखावा कर रहा है। चूँकि पिछले दिनों में चुनाव के समय में यहाँ के युवाओं के लिए कहा था रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो छलावा कर रहा है उसी तरह से ये इन्वेस्टर को निवेश कर रहे हैं, तो युवा लोग सोचेगा कि हाँ शायद अब रोजगार मिलेगा, तो ये छलावा करने वाला है, रोजगार देने वाला कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता समीर उड़ाव जी, जो गत दिनों इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रदेश के सूबे की सरकार ने जो किया है उस पर सीधा और जोरदार हमला बोला है और सूबे की सरकार पे को कहा है कि यह इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन था यह पूरी तरह से छलावा था। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया। धन्यवाद। अध्यक्ष समीर उड़ाव जी का स्वागत।